दिल से बुलाया कि मैं सी क्लास 12 को कहा नहीं इमाम कुमार आया। तो आज हमारा दोस्त फूल एचडी में नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर हमारा क्या है? इथर। तो आज हमारा दोस्त न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा इथर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो पॉइंट नंबर वन हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले एक ठो लड्डू दे दिए। लड्डू को प्यार से क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के पास दो ठो बॉन्ड होता है। तो दो ठो यहाँ पर खाली बॉन्ड दे दिए। तो जब ऑक्सीजन के पास दो ठो खाली बॉन्ड हो तो वही हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। किसका? इथर का। तो इसको देखो, एक बॉन्ड खाली, दो बॉन्ड खाली, इसको बोलते हैं डायवेलेंट ऑक्सीजन एटम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन एटम, चाहे इसी को बोल सकते हैं बाय वैलेंट ऑक्सीजन एटम। देखो ना, वैलेंट का मतलब वैकेंट और वैकेंट का मतलब खाली। तो दो ठो एक ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास दो ठो खाली बॉन्ड हो वही हमारा डायवेलेंट ऑक्सीजन कहलाता है। पॉइंट नंबर टू आता है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन। आखिर डायवेलेंट ऑक्सीजन एटम को कैसे दिखाएंगे? पॉइंट नंबर टू आ गया हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं सामान्य प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले इथर बनाएंगे, योग्य मेरा डायवेलेंट ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? इथर। योग्य मेरा डायवेलेंट ऑक्सीजन एटम, इसको क्या बोलते हैं? इथर। योग्य मेरा डायवेलेंट ऑक्सीजन एटम, इसको क्या बोलते हैं? इथर। तो जब इथर के दोनों खाली बॉन्ड में दो ठो अल्काइल ग्रुप लग जाता, ठीक है, ऑक्सीजन के दो ठो खाली बॉन्ड में दोनों तरफ चाहे अल्काइल ग्रुप लग सकता है, चाहे दोनों खाली बॉन्ड में एराइल ग्रुप लग सकता है, चाहे दोनों खाली बॉन्ड में से एक खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप हो सकता है और दूसरे खाली बॉन्ड में एराइल ग्रुप होता है। हेयर, जहां पर आर हमारा क्या कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। और ए आर हमारा कौन सा ग्रुप है? एराइल ग्रुप। तो मन में ख्याल आता है कि अल्काइल ग्रुप क्या है? तो अल्काइल ग्रुप कहां से आता है? एल्केन से। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो कौन सा ग्रुप प्राप्त होता है? अल्काइल ग्रुप। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल ग्रुप, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल ग्रुप। अब एराइल ग्रुप, जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो कौन सा ग्रुप प्राप्त होता है? एराइल ग्रुप। लिखो। तो आप लोग दोस्त इथर का डेफिनेशन लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर फोर है हमारा डेफिनेशन, और डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया? परिभाषा। हाँ, पॉइंट नंबर थ्री के बाद पॉइंट नंबर फोर, हमें पॉइंट नंबर थ्री है। पॉइंट नंबर थ्री जो हमारा क्या है? डेफिनेशन। तो देखो, ये हमारा डायवेलेंट ऑक्सीजन था। डायवेलेंट ऑक्सीजन में चाहे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रह सकता है, चाहे दोनों तरफ एराइल ग्रुप, चाहे एक तरफ अल्काइल ग्रुप, चाहे दोनों तरफ एराइल ग्रुप। इसका डेफिनेशन हो गया हमारा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अल्काइल ग्रुप एंड एराइल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच टू द डायवेलेंट ऑक्सीजन। अब देखो मामला, बोलते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ हो डायवेलेंट ऑक्सीजन से, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इथर। क्या बोलते हैं? इथर। पॉइंट नंबर फोर आता है हमारा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, तो देखो, हम लोग मीथेन था, सी एच फोर को क्या बोलते थे? मीथेन।
और मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो क्या बनता था? मिथाइल। और बराबर नंबर में एक तो अल्कोहल लगा देते थे तो क्या बनता था? मिथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला था हमारा CH3OH। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2N+2, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। और एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाले, देखो ना हाइड्रोजन दो एक निकाल दिए तो क्या बच गया? CnH2n, एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ बच गया +1। ये किसका फॉर्मूला हो गया? अल्काइल ग्रुप का। और इसमें एक अल्कोहल लगाने जा रहा, तो अल्काइल ग्रुप में एक अल्कोहल CnH2n+1 बॉन्ड टू अल्कोहल। ये हमारा अल्कोहल का तो जनरल फॉर्मूला हो गया। तो जैसा जैसा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला वैसा वैसा इथर का, क्योंकि अल्कोहल और इथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब अल्कोहल और इथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। यहाँ पर देखो CN था तो यहाँ पर लिख दिए CN, H2N था तो यहाँ पर H2N लिख दिए। अब देखो हाइड्रोजन अभी यहाँ 1 है और एक हाइड्रोजन और है, क्या हो गया? 2। यहाँ पर +2 लिख दिए, एक ऑक्सीजन था तो यहाँ पर लिख दिए एक ऑक्सीजन। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? इथर का। किसका फॉर्मूला हो गया? इथर का। तो इथर का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2O। पॉइंट नंबर 5 आता हमारा अदर ने, आखिर इथर का दूसरा नाम क्या है? तो इथर का दूसरा नाम है अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। क्या है ना? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। अब देखो एन का मतलब अब्सेंस, हाइड्रेस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा अल्कोहल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का अब्सेंस हो, कमी हो, उसी को क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। तो दो मॉलिक्यूल हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ये हो गया मेरा पहला अल्कोहल और ये हो गया मेरा दूसरा अल्कोहल। और यहाँ पर दे दिए हीट एनर्जी। इस अल्कोहल के पास OH है, इस अल्कोहल के पास भी OH है, यहाँ से OH लेंगे, यहाँ से H लेंगे। तो हाइड्रोजन एसिड और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ वाटर बना दिए। अब यहाँ अल्काइल ग्रुप बचा तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। और ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ पर लगा दिए अल्कोक्सी ग्रुप। तो एक इथर दो इथर, ये हमारा डायल्काइल इथर। इसी को हम क्या बोले? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। क्या बोले इसको? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। हाँ, सबसे पहले आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते, वही हमारा क्या कहलाता है? तो जब डायवेलेंट ऑक्सीजन में अल्काइल ग्रुप चाहे एराइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इथर। इथर का अदर नेम क्या हो गया? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। तो जब दो मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले रहे, एक अल्कोहल से क्या हटा रहे? OH, और दूसरा अल्कोहल से H, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला? वाटर। यहाँ जो बना उसका नाम क्या है? अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। और अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल को क्या बोलते हैं? इथर। देखो